ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अब देखिए मैं राइड के लिए रेडी हो रहा हूँ। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ लग रहा होगा बिकॉज तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन हाँ बाकी सब बढ़िया है। तो चले जल्दी से राइड पे निकल जाते हैं। इनिशियली मुझे मन नहीं किया राइड पे जाने का बिकॉज थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा था और आज मौसम भी बढ़िया है, सोचा सो लेता हूँ। अब देखो मौसम बढ़िया हो तो या तो आप सो लो या तो राइड कर लो, और ऑफ कोर्स जब राइड करने के सामने कोई ऑप्शन होगा तो राइड करना ही चुनेंगे हम लोग। सो यस, दिस इज हाउ इट इज, लेट्स स्टार्ट आवर राइड। बस बारिश ना आ जाए यार, अभी थोड़ा देर पहले बहुत ही थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है, बहुत ही कंजूसी में, बहुत ही थोड़ा, लेकिन अभी ना हो जाए बस वही उम्मीद कर रहा हूँ। एक सामने भी देखना होगा कितना कैमरा में देखा है। अब देखो मेरा शिफ्ट होता है शाम को, तो शिफ्ट खत्म करने के बाद आई ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन टू गो फॉर अ राइड, लेकिन कभी कभी बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है ना, तो फिर मुश्किल होता है। बाकी ये रास्ता हमेशा सुंदर लगता है यार, कभी भी राइड पे निकलो ऐसे हमारा जो पहला जो आता है लेवल वो इस तरह का पेड़ों के बीच से, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि देख रहे हो मेरे को सर्दी हो रखा है, तो मैं सोचा कि यार थोड़ा चाय पी लेते हैं। अब चाय पीने के लिए कहाँ पीना है भाई, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ बढ़िया चाय मिलता है, सो आई एम गोइंग देयर। ये मौसम एकदम विंटर वाला फील दे रहा है, मज़ा आ रहा है। और भाई लोग मैंने नया ये Insta360 का जो शॉट्स है और कैमरा भी अपने सेटअप में इंक्लूड किया है, इसके जो फुटेज है ये आपको हमारे YouTube लॉन्ग वीडियोस में कैसा लगता है और शॉर्ट्स में भी कैसा लगता है कमेंट करके बताना, तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने इतना इसमें पैसा लगा दिया है ये वर्थ है कि नहीं है। आई नो इट इज़ वर्थ, बट ऑफकोर्स व्यूअर्स का जो ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रोड गीला दिख रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। आप मेरे वीडियो में सबसे ज़्यादा अगर कुछ कॉमन देखोगे ना तो यहाँ से एग्जिट होते हुए देखे होगे। चले जी, कसम से बता रहा हूँ यार, विंटर विंटर फील आ रहा है। मतलब अगर आप चारों तरफ देखो तो पता नहीं कैमरा में इतना समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा विंटर विंटर वाला फील आ रहा है। मतलब सूरज निकल चुका है, अगर राइट में मेरे देखो सूरज कहाँ है, लेकिन अभी भी थोड़ा फॉगी और हम तक धूप नहीं आ रहा है और हल्का हल्का ठंड लग रहा है। कोलकाता में ऐसा देखने को मिल जाए तो भाई क्या ही बात है, क्योंकि कोलकाता में ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। चले थोड़ा आगे निकालते हैं। हम लोग बेलघोरिया एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने वाले हैं और मौसम, सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि ट्रैफिक का हाल भी बहुत अच्छा लग रहा है। खाली खाली रोड और वीकेंड नहीं होने का फायदा है ये। एक सेकेंड, मेरा ये जैकेट क्यों खुला हुआ है, इसको बंद कर लूं यार, समझ में भी नहीं आ रहा है, छोड़ो कुछ है भी नहीं अंदर। चले अब थोड़ा सा हो जाए। मुझे मन था यहाँ पे रुक के चाय पी लूँ, लेकिन चलो देखते हैं यार। एक तारीफ करना चाहूँगा Insta360 का यार, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, अच्छा चलता है बैटरी इसका, GoPro से ज़्यादा चलता है। यहाँ पे लग रहा है कि हल्का हल्का बारिश हुआ है, देखो रोड भी गीला है, बस भगवान करे आगे ना हुआ हो यार। मतलब जहाँ पे मुझे एक्चुअली कॉर्नर करना है, ये देखो कुकुर, ठीक है कुकुर लोग को तो भाई दूर से देख के सलाम कर दो, थोड़ा धीरे हो जाओ। ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है पता नहीं। सिक्किम जाने से पहले अगर कुछ एक्शन हो सकता था तो ये है, शायद अगले वीक भी हो, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई विल बी टू बिजी नेक्स्ट वीक और मुझे कुछ कुछ काम भी निपटाने होंगे। बट चलो अब सिक्किम राइड को ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अब 2 वीक भी नहीं बचे यार, आई एम सो एक्साइटेड। अब 2 वीक भी नहीं बचे, लुक एट दिस, बस अब यहाँ पे स्पीड से एंट्री लो और यहाँ पे उछल जाओ। बट यार मौसम गजब का लग रहा है, एंड दिस इज़ फन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे वो जो सोलो राइड वाला जो फील होता है ना, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी दैट हाउ मच आई लव सोलो राइड्स, और मुझे ना आज वो सोलो राइड वाला फील आ रहा है। ऐसे खाली खाली रास्ते एंड आई एम रेविंग माई बाइक,
और नथिंग टू वरी अबाउट काइंड ऑफ थिंग। कितना अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरपास था यार, लेकिन यहाँ पे रोड ख़राब हो गया है तो यू कैन नॉट रियली बी क्विक हियर। चले कोई बात नहीं, भाई बीच में मत चला यार, यही चीज तो अच्छा नहीं लगता है। डिसाइड कर ले, ओवरटेक करना है तो इधर ही रहो, एक बार उधर एक बार इधर। रुको अब मेरा बारी है, हर बार तुम नहीं जाओगे। बारिश आ रहा है लग रहा है। ऐसे एब्सर्डली रोका ये, मैं सोचा क्या हो गया यार। आ गए हम लोग बाली ब्रिज, कोलकाता से एग्जिट और राइट में दक्षिणेश्वर टेंपल। कितना सुंदर लग रहा है, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ बट हमेशा ही सुंदर लगता है यार। बढ़िया सनराइज, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है जबकि सनराइज हो चुका है शायद एक घंटा पहले, आई डोंट नो अराउंड दैट टाइम, बट कुछ पता नहीं चल रहा है, पूरा क्लाउड है यार। अगर सेम बारिश हो मेरे कॉर्नर वाले पैच पे हो गया होगा ना, तब तो फिर दिल बहुत टूटेगा यार। आई स्टिल कीप राइडिंग, शायद मैं ज्यादा लंबा राइड पे नहीं जाऊँ, बिकॉज ज्यादा लंबा मतलब 50 किलोमीटर सोचा था, लेकिन अगर मौसम खराब रहा तो शायद वापस आना पड़े मुझे, बिकॉज ऑलरेडी तबीयत खराब है यार, फिर से भीगूंगा तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और बारिश ने तो क्या हाल कर दिया रोड का, भी पिछले दो वीक में तो लगातार बारिश हुआ है, रुका ही नहीं है। देयर हैजंट बीन अ डे जहां पर बारिश नहीं हुई है। रोड्स के हालत देख के मतलब समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे और आगे जाना चाहिए। मैं आप लोगों को एक साइन दिखाता हूँ, कितने लोगों ने ये चीज नोटिस किया कि नहीं है, देखो इस वाले साइड में गीला है, इस वाले साइड में सूखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि जो शहर से बाहर निकलने वाले गाड़ी है ना, वो बारिश में घुस के नहीं निकल रहे, बट चांसेस ज्यादा है कि आने वाले गाड़ी भीग के आ रहे हैं। लेट्स सी, पूरा गंदा हो गया मेरा कैमरा, ये रोड का कीचड़ उड़ उड़ के। मैं इसका क्लीनिंग क्लोथ नहीं लाया हूँ, मतलब लेंस साफ करने के लिए जो मुलायम मुलायम कपड़ा होता है वो मैं लेकर के नहीं आया हूँ। रोड का हालत देख लो भाई, कॉर्नरिंग नहीं होगा, फॉरगेट रोड का हालत, सामने तो बारिश हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ रास्ते एंजॉय करने वाले हैं भाई, ऐसा नहीं कि अभी एंजॉय नहीं कर सकते। I can't believe I'm the same guy who did cornering on this road at more than 100. जीवन का ज्ञान है भैया, कभी कभी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे एंड यू वॉन्ट बी एट योर बेस्ट। ऐसे समय में बुद्धि से काम ले और ऐसे पैच पे खड़े हो जाए। यार मुझे वापस जाना होगा, आई एम नॉट गोना कंटिन्यू दिस। इफ यू सी द रोड का कंडीशन, रोड में गड्ढे वड्ढे तो है ठीक है, लेकिन जब ट्रक चलती है ना भाई, आपके हाइट से ऊपर ऊपर तक पानी उड़ाती है, एंड विथ कैमराज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है यार। लेकिन चलो मजा तो आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाली चारों तरफ और ये जो नेशनल हाईवे जो एक्सटेंड हो रहा है, 8 लेन हो रहा है इस तरफ, बढ़िया लगेगा यार। और ये देखो बगल में ट्रेन जा रहा है। मैं पहली बार यहाँ से ट्रेन जाते हुए देखा हूँ, इतने टाइम से आ रहा हूँ, शायद इसीलिए बिकॉज ये रास्ता हमेशा भरा रहता था, अभी इसको खाली किया गया है पेड़ वेड़ काट के रोड बनाने के लिए। और आप हमारे लेफ्ट में आप रोड ऑलरेडी देख सकते हो। देखो इस रास्ते पे ये बात तो सच है, मैं राइड उतना इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा फोकस रहेगा सिर्फ गीले और गड्ढे वाले रोड पे। आपको नहीं दिखेगा लेकिन हमारे चेहरे पे बड़ा सा स्माइल है, बिकॉज मजा आ रहा है, विंटर फील आ रहा है यार, एंड आई लव विंटर, आई एम श्योर यू डू एज वेल। बहुत सारे लोगों को विंटर पसंद है, मजा आ रहा है, और विंटर का फील तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा 2 वीक के बाद। विंटर में जा रहे हैं, नॉर्मली तो विंटर आता है हमारे पास, इस बार हम जा रहे हैं विंटर के पास। अब गंदा होगा कैमरा बट कांट हेल्प। I'm
I'm gonna put my Insta 360 inside. ये देखो क्या हो रहा है. I'm worried about this. Not my GoPro. GoPro ये सब बहुत झेला है, बहुत झेला है. GoPro तूफान उफान झेल लिया है भाई. ये बारिश क्या चीज़ है. चलिए जी आ गया दांकुनी टोल, आ गया दांकुनी टोल. इससे आगे भाई आपका नहीं जाने वाला है, कुछ भी हो जाए. लेकिन चलो जो भी है मज़ा आना चाहिए बस. अभी तक आपको मज़ा आया होगा आई एम श्योर, और मुझे भी बहुत मज़ा आया. ये जो मैं बड़े बड़े स्माइल लेकर के जो खुश हो रहा था ऐसे सुंदर सुंदर रास्ते देख करके, इन खराब रास्तों के कारण वो वापस थोड़ी चले जाएंगे. और विद दैट आई विल गो बैक टुडे, नथिंग मोर फॉर टुडे आई गेस. बट जो भी है मजा है. चलो यहाँ पर चाय पीऊंगा मैं. आगे चाय पीने वाला था लेकिन यहाँ पे गर्म पानी वाला चाय पीना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे चाय नहीं, यहाँ पे गर्म पानी मिलता है. I don't think आज के राइड के लिए और कुछ ज़्यादा, बिकॉज मौसम तो देख लो ख़राब हो गया. और मेरे कैमरे का हाल दिखाता हूँ मैं. अभी देखो क्या हाल हो गया कैमरे का. सो दिस साइड लुक्स गुड बट मिट्टी और पानी लग गया है. बट चले कोई बात नहीं, इसको मैं अब कवर कर दूंगा साफ करके. चलो यार चाय पीना तो हो गया हमारा. इससे पहले कि मौसम बिगड़ जाए मैं वापस चले जाता हूँ यहाँ से. और अभी इसको मैं ढक दिया हूँ कैमरा को, एज यू कैन सी. मैं निकाल के बैग में डाल लेता लेकिन फिर सोचा अब क्या खोलूँ लगाओ, ढक दिया सीधे. आई होप आपको इस वीडियो में यहाँ तक मज़ा आया होगा. और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कुछ नए व्यूअर्स के लिए, बताने से पहले एक छोटा छोटा जो आपका इक्विपमेंट होता है ना आपके सेफ्टी के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है. देखो अभी सामने वाला गाड़ी जा रहा था और कोई पत्थर बड़ा ज़ोर से उड़ करके आया और मेरे इस गार्ड से टकराया, और टक करके आवाज़ हुआ. मुझे बस पता चला कि टकराया, दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ. लेकिन अगर ये नहीं होता तो भाई बहुत जोर का लगने वाला था. हाँ जी, तो जैसा मैं बोल रहा था, चलिए आज तो हमने राइड कर लिया काफ़ी, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ तक ये वीडियो देख करके. ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा. आप हमारे चैनल में बाकी के वीडियोज भी देख सकते हो जो कि लॉन्ग राइड के वीडियोज़ है. बढ़िया बढ़िया एडवेंचरस राइड हुआ है. हाँ तो आपको बढ़िया बढ़िया राइड मिल जाएगा हमारे चैनल पे. और सिर्फ दो वीक के बाद बहुत ही बढ़िया सीरीज आने वाला है, आई विल गो टू द माउंटेन्स. वेट करना और सब्सक्राइब किया हो तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए. और यार पिछले कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा क्या है ना कि व्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं चैनल पे. तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें वीडियो को, सो दैट अपना पुराना जो व्यूज़ है वो वापस आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, फिर मैं और कॉन्टेंट ला पाऊँगा. बढ़िया बढ़िया. चले अभी मिलते हैं हम लोग सीधे अगले वीडियो में.